अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और बिलाल भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और पूरी तरह हम टॉस हार चुके हैं, बॉलिंग पे आने लगे हम। सलाम भाई, नेटिव फर्स्ट बॉलिंग इज पाकिस्तान पीएसएल। तो कैमरे की तरफ देखे कहिएगा कि सीन्स कुछ ऐसे हैं। ऐसे ही है। नहीं, सीन्स कुछ ऐसे हैं। ऐसे ही है। नहीं नहीं, सीन्स कुछ ऐसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल सानी, आपको वेलकम मेरे चैनल सानी कसूर वाला। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी फैमिली के साथ ढेरों खुशियां एंजॉय कर रहे होंगे। आज क्या वो लोग करते हैं जी, शुरू आज जुम्मा है और बजने हैं 10:30 का टाइम हो चुका है और मैं मौजूद हूँ। कसूर का ग्राउंड है जी, गल्ला ग्राउंड कहते हैं, गल्ला ग्राउंड कहते हैं, डोंट नो इसका सही नाम क्या है। तो यहाँ पर मौजूद हूँ मैं और इसकी स्पेशलिटी है कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास और यहाँ से आगे जो है ना, जो रेलवे के इंजन होते हैं वो क्या कहते हैं कि अपने ही पोजीशन चेंज करते हैं, यू टर्न लेते हैं, या इसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मोड है जहाँ पर इंजन भी टर्न ले लेते हैं। और तो इसके अंदर बिल्कुल दरमियान में ये ग्राउंड मौजूद है, लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना, यहाँ पे ये है कि गंदगी भी है, मिट्टी भी है और सीमेंट विकेट यहाँ पे बनी हुई है। तो आज मैच किया था यहाँ पे, तो सोचा कि ये भी मैच आपके लिए कैप्चर किया जाए और आपको नई नई प्लेसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ज़रा मेरे पीछे आप व्यू चेक करें ज़रा, तो ये सारी रेलवे की जगह है। तो ये लाइनें हैं इस ग्राउंड के तीनों तरफ में, चारों तरफ लाइनें हैं और उसके दरमियान में सीमर विकेट बनाई है इन्होंने। और इस ग्राउंड के अंदर जो है ना, ये जमातपुरा, उसके बाद जो रसूलपुरा, उसके बाद कोट मुराद खान, इसके बस्ती खादमाबाद वाले जो सारे जो है ना, इस ग्राउंड से मुस्तफ़ीद होते हैं, मैच खेलते हैं और ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है यानी कि हेल्दी एक्टिविटीज़ का। आज ये मेरी ड्रेसिंग आप चेक कर सकते हैं कि कैजुअल ड्रेसिंग है, शलवार कमीज में इसलिए आया, कोई जुम्मा था तो जुम्मा पढ़ने के लिए भी टाइम निकालना है आज। तो ये चार पांच चीज़ें हैं, टॉस हो चुकी है और बॉलिंग आ गई है जी। और ये ज़रा नाम लिहाज ज़रा जो है ये प्लेस को आ दे, आसिफ नंबर जो कभी टूर्नामेंट विन कर सका टेबल की। और मेरे साथ आसिफ नाबा ही मौजूद है जो कि किसी भी तारों के मजाज नहीं है, बड़े फनीस्ट करेक्टर है। आसिफ पंजाबी जी उर्दू जी जैसे मर्जी आप भाई। अच्छा नाबो भाई, आज सीजन का पहला मैच है आपका? और मेरा फर्स्ट मैच है सीजन का। नाबे, वाओ वाओ, नाबे का पहला मैच। और आज मैं खेलना चाहता हूँ सबसे पहला मैच ये गल्ला ग्राउंड में, सूर के बहुत अच्छा ग्राउंड है और आज इन सब फर्स्ट बॉलिंग करेंगे और कोशिश करेंगे जीतने की भी। और डैनी मॉर्स ने कमेंट किया, ये नाबा बहुत अच्छा प्लेयर है, नहा के बिल्कुल नहीं आता ग्राउंड में। तो अब चलते हैं हमारे अब चलते हैं हम शाह की तरफ, जो कि इस ग्राउंड के मौजूद हैं। तो गाइज अभी हमारा मैच है शाह जमाल के साथ, मैच है उनके कैप्टन मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हमशा। हमशा कैसे हो आप यार? ठीक हो? क्या जो है ना सीन है, कितने ओवर का मैच रखा है? 25 ओवर का। कितना टारगेट हमसे सेट करवाना चाह रहे हैं आज आप? हम आपसे कराएंगे 280-90 का। 280-90 का? 280-90 क्या? तो 280-90 जो है ये काफी ज्यादा बोल दिया, लेकिन हमारी टीम की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इतना भी हो जाए। तो क्या चेंज कर लेंगे बाद में आप? हाँ, हो सकता है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है या वाकई कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस। तो कैमरे की तरफ देखे कहिएगा कि सीन्स कुछ ऐसे हैं। ऐसे ही है। नहीं, सीन्स कुछ ऐसे हैं। ऐसे ही है। नहीं नहीं, सीन्स कुछ ऐसे हैं। अच्छा, तो गाइस अभी एक ही जो है ना, मैं आपके व्यू दिखा रहा हूँ, उसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ। सिर्फ आप देख सकते हैं कि पीछे एक ग्राउंड है, मिट्टी से भरा हुआ ग्राउंड है और कचरा काफी ज्यादा यहाँ पे मौजूद है। तो जी मेरे साथ मौजूद है हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, शोकर साहब हैं जो कि ऑफ फकीरिये वाला। तो शोकर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अली अली जमालपुरे से मेरे दोस्त हैं ये भी। तो कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम। तो शोकत भाई, आज क्या करने का प्रोग्राम है? आपकी बैटिंग आ गई है तो क्या करने का इरादा है? हाँ, इंशाल्लाह 280 का टारगेट देंगे। अच्छा, तो मैं एक बात हैरान हूँ कि इनको कॉन्फिडेंस कितना है, दो ही बात कर रहे हैं, 280 की बात कर रहे हैं। तो ये है कि हमारी होम ग्राउंड है नंबर एक, और नंबर दो को दो ये है कि इधर आई लेवल हमारा बड़ा सेट है, टेबल खेल खेल के, अच्छा लेदर बॉल खेल के, जुमा संडे को तकरीबन हम 80% तो इधर ही खेलते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना, हमें अपने आप पे
इत्माद है पूरा। अच्छा। इंशाल्लाह हम अपना इत्माद जो है वो पूरा बरकरार रखेंगे और आपको जो है ना टफ टाइम देंगे। वाह जी वाह, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें जी। और शोकत भाई आप किस नंबर पे आ रहे हैं आज? मैं आज, ये तो कप्तान की प्लानिंग होती है। अच्छा। कप्तान को जब भी जरूरत होगी बैटिंग पर भेज देंगे। अच्छा। टारगेट के हिसाब से है ना कप्तान देगा बैटिंग। पिछले मैच में शोकत भाई मेरे ख्याल में वन डाउन आए थे, टू डाउन। अच्छा। तो आज देखें कप्तान क्या प्लानिंग करता है आपके खिलाफ। ये तो आपकी बॉलिंग अच्छी है, आपकी टीम में एक बहुत बड़ी बैट्समैन जैसा कि शकीली डोगर जैसे रियाजी डोगर का कमान, बहुत बढ़िया प्लेयर ये भी आज। ये जो हमारे ग्राउंड के मामा जी हैं, ये हमारे ग्राउंड के मामा जी हैं, ये वजह से ये ग्राउंड आबाद है। जनाब कैसे आप? ठीक हैं, जबरदस्त है, फिट फाट है, सर्दी तो नहीं लग रही आज आपको? कैसा मौसम है आज यहाँ का? उधर देखे बात जबरदस्त है। तो जी ये इनका नाम है माजिद नगीर साहब है जी। माजिद नगीर साहब हमारे साथ मौजूद जी स्टूडियो में, इंटरव्यू लेंगे मजीद साहब का जी। तो जी अभी चेंज करते हैं और उसके बाद आपके मिलते हैं कि क्या आज का जो है ना वो सिचुएशन होगी। तो जी बहुत शुक्रिया शोकत साहब आपका, थैंक यू, वेलकम। तो आए जी, चेंज करते हैं। आज भी बड़ा ब्राइट सनी दिन है आज, मैं बता नहीं सकता कितनी तेज धूप है आज भी। तो चेंज करते हैं, लगाओ यार भाई को कहां पे क्या यार सही लगी नहीं है ना, दूसरा की नाम पे हम जलाता ना खजूरा ले रहे हो जी मेरे, मैं आप ही। अच्छा जी, ये अच्छा जी, अभी जो है ना हमारे शोकत भाई हैं, ये इन्होंने मुझे आउट किया। तो नाजरीन ये देख लीजिए बंदा जिसने, और एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सर मेरे जितने देखने वाले व्यूवर्स हैं उन्हें सबसे गुजारिश है कि भाई मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त है उसको जराबों का जोड़ा चाहिए, तो कोई भाई इमदाद करना चाहे तो भाई आदर। तो नाबा और मेरा संडे को मैच है, मुझे अभी जोड़ा चाहिए प्लीज, मुझे जराबों का जोड़ा चाहिए, संडे को मेरा नेक्स्ट मैच है। अच्छा जी, ये भाई मेरे जितने भी देखने वाले हैं सर एक जराबों का जोड़ा इस भाई को चाहिए, नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जिस भाई को भी इसको जो है ना गिफ्ट करना हो जराबों का जोड़ा मुझे रब्ता कर ले, मैं इंशाल्लाह इस तक जरूर पहुँचाऊँ, जरूरतमंद बंदा है, और अगर किसी ने रोटी शाम की खिलानी है तो वो भी बात कर सकते हैं। तो ये नीचे हो, थोड़ा सा नीचे हो। तो जी आप ये जरा देख लें, इसके पाँव में जो है ना जराबे नहीं है, गट्टा कितना है? तो गट्टा मिट्टी देखे। तो नब्बे क्या कहना चाहेंगे, कोई बंदा इमदाद करना चाहे तो क्या है, सदका खराब ले लेते हैं ये हमारे स्पॉन्सर हैं माशाल्लाह मौलवी साहब। अच्छा। ये मैं जलाबों का जोड़ा गिफ्ट कर रहे हैं और साथ में एडिडास के जो है फ्लीट वो भी गिफ्ट कर रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, 12 बजे के बाद रात को ठोकेंगे साथ में। अच्छा तो भाई ये जो है ना आपको पता है कि ट्रेडिशनल जो है ना यहाँ पे थोड़ी टेप लगा के खेलते हैं, तो थोड़ी टेप लगा लेते हैं ताकि जो चीज़ें हैं ये ख़राब ना हो, ये तो इससे थोड़ा सा ये होगा कि ये जो फ्लीट हैं यानी कि शूज़ हैं ये थोड़े से कवर हो जाएंगे ताकि घिसने से बच जाएं, क्योंकि ये पाँव जो होता है ना बॉलिंग करवाते ही ऐसे होता है, तो इसलिए ये जो है ना लगाना लाजमी है। तो शूज़ डालते हैं और शाह से बोलूँगा कि ग्राउंड के अंदर जाके थोड़ा कैप्चर करे। ये सामने उस्मान भट्ट साहब हैं, अच्छा गाइस पहला वो शुरू हो चुका जैसा आप देख रहे हैं, तो इसके साथ ही ड्रेसिंग चेंज है, किटअप में आ गए, और मैं अभी और कराता हूँ वो आपको कैसे ठीक है जी। Thank you.
ओए आला मोटे आला भी जो है ना ओवर खत्म हो गए 25 ओवर और आज यकीन करके 25 ओवर ऐसे था जैसे 50 ओवर थे। पता नहीं ग्राउंड की वजह से ग्राउंड बड़ा ना वजनी है आज ना। वजनी का मुराद ये है कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थी और मिट्टी हवा के साथ काफ़ी उड़ी है और नाक के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी गई है जिसकी वजह से ना थकावट और थकन का एहसास ज़्यादा हुआ है। अगर हम किसी अच्छे ग्राउंड में जहाँ पे ग्रास हो वहाँ पे 35 ओवर का मैच खेले और यहाँ पे 20 ओवर का खेलें तो एक बराबर है, क्योंकि एक तो यहाँ पे पानी पीने वाला पानी भी नहीं मैसर नहीं है और दूसरे नंबर पे ये है कि गर्मी भी अभी ज़्यादा है और तकरीबन 290 रन किए हैं उन्होंने 25 ओवर में और टारगेट अच्छा सेट कर दिया हुआ है। देखते हैं कि बैटिंग में क्या होता है। अच्छा तो गाइज अभी चलते हैं, दो मुसलसल आउट हो गए हैं और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा तो गाइज अभी सिचुएशन ये है कि धूप काफ़ी ज़्यादा है तो आपका भाई जो है ना ये आउट हो गया अभी और रन बनाए हैं सिर्फ 30 या 35 रन बने हैं, उसके बाद बोल्ड हो गए सीमट के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए क्योंकि जो बंदा सीमट के ऊपर जो है ना आउट होता है आई डोंट नो कि उसके माइंड में क्या है। तो मेरे साथ मौजूद हैं आज के दिन के जो है ना करंट टाइम के लेजेंड बॉलर हैं मोहम्मद शमी, जो के आज हमारे साथ मौजूद हैं। शमी कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं बिलाल भाई। जबरदस्त फिटफाट हो? अल्लाह का शुक्र है बिलाल भाई। तो क्या मसला है, सफेद किडनी की आज इसका क्या इशू? नहीं अभी स्टार्टिंग की है ना तो थोड़ी सी पैसों की कमी थी उसकी वजह से। पैसों की कमी थी? क्यों, किट वगैरह लेंगे? अच्छा। जो आपको बॉल किए हैं वो बताएं ना आप गाइस को। नहीं जबरदस्त बॉलिंग की है, स्विंग की है और पहली बॉल पैरों पे लगी है तो अगर एलबी होता तो मैं उठता। ये क्रेडिट देते हैं। तो गाइस ये देखना मेरा शौकर है, इस बंदे ने मुझे उड़ दिया, ये देख ले, ये आपको जहाँ भी नजर आया ना इसको आपने पकड़ लेना है, इस बंदे ने उड़ दिया। मुखालिफ टीम के कप्तान को मधु करते हैं, उन्होंने जो प्रेडिक्शन की थी वो पूरी हो गई है तो उनसे बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे वो। अच्छा तो मेरे साथ मौजूद है जी हमेशा कैसे हो भाई? ठीक ठाक। तो जनाबे वाला जो आपने बोला था वो पूरा कर दिया है तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये क्रिकेट है यार, हमने कहा था 280 नंबर। तो जी आज इन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, जितने भी हमारे शाह जी को चाहने वाले हैं वो लाजमी कमेंट से मुझे बताएं कि आप इनको कितना लाइक करते हैं शाह जी को। और अच्छी बैटिंग की है लेकिन मेरे से एक दो दफा बचे हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग सर मैंने कैसी कराई है बताया? नहीं आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की, सीमेंट विकेट के ऊपर थोड़ी सी तजर्बाकारी मैंने दिखाई है लेकिन फिर भी आपने उस बॉल को पिक करने के बाद अपनी टीम को लेके आगे चले तो ये बड़ा अच्छा। 290 का टारगेट दिया था। 290 का टारगेट दे दिया जी, जो कि चेज होना भी मुश्किल लग रहा है मुझे लेकिन आई होप सो के पूरा हो जाए। तो जो है ना हमेशा ने जी 150 रन किए हैं नॉन
आउट हो गए थे मेरा लास्ट ओवर में, ऐसे ही है तो जी। वेल बैटिंग हमेशा साहब। ये हम इस वक्त घर जा रहे हैं मैच खेल के, और मैच पूरी तरह हम जीत जीत के जीत की खुशी में बाइक चला रहा हूँ मैं। और हमें स्कोर लगा था 25 ओवर में 200 रन्स इस गेम ऑन। वेरी गुड परफॉर्म योर फर्स्ट बैटिंग। और आज आज अच्छा जी अभी लाइन पार करते हैं। अच्छा भाई ये लाइनें जो है ना ये पार करनी पड़ती है, ये देख लें तो बगैर उतरे इसने जो है ना लाइन पार कर दी हुई है। आगे फाटक है और फाटक का हम नज़ारा क्या करने रहे हैं। फाटक के आगे बाईपास है और फाटक के आगे वो सामने बाईपास है। ये जो आप चेक कर रहे हैं ये है भाई, ये लाइन सीधी आती है जी लाहौर प्राइवेट गुजरा वाला, गुजरा वाला की तरह। और ये आबादी है आप देखिए जरा दरख्तों की आबादी देखिए कैसी है। तो जी इसके साथ जा दीजिएगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होता हूँ तो नाबा कहेगा जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी मेरे भाई गाइस, वेरी नाइस भाई। मिलेंगे ब्रेक के बाद फिर 199।